तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया। दरअसल श्रमिक एक्सप्रेस सेवा से हुई कमाई की रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया। राहुल गांधी के मुताबिक बीमारी के बादल छाए हुए हैं और आपदा को मुनाफे में बदल रही है सरकार। केंद्र की मोदी सरकार पर राहुल गांधी के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आपदा के समय में भी गरीबों से मुनाफा वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में बीमारी के बादल छाए हैं, बावजूद इसके इंडियन रेलवे मुनाफा कमाने में जुटी है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए ये टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना काल में इंडियन रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की कमाई की। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में बेनिफिट ले सकते हैं, आपदा को मुनाफे में बदल कर कमा रही गरीब विरोधी सरकार। कोरोना संक्रमण की वजह से जब 25 मार्च को देश में अचानक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन किया गया था तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लाखों मजदूर दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में फंस गए थे। इस दौरान मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की थी। इन ट्रेनों से लाखों लोग अपने घरों में लौटे। इन श्रमिक ट्रेनों के किराए को लेकर भी विवाद हुआ था। जब श्रमिक ट्रेनें शुरू हुई तो राज्यों ने मजदूरों से किराया नहीं लेने का ऐलान किया, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल थे। हालांकि गुजरात, मुंबई, दिल्ली से लौट रहे मजदूरों ने शिकायत की, जब वो ट्रेन से लौट रहे थे तो उनसे किराया लिया गया। केंद्र ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि यात्रा का 85% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है, जबकि 15% राज्य सरकारों को देना है। हालांकि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि इस प्रक्रिया में कुछ राज्य रोड़ा अटका रहे। तरुण काल राय, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर एक बार फिर प्रियंका गांधी के निशाने पर योगी सरकार आ गई है। प्रियंका ने हालात को काबू करने की मांग उठाते हुए सीएम योगी को पत्र लिखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए कई कदम सुझाए और ये भी कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति गंभीर है, ऐसे में प्रचार से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती बल्कि प्रभावी कदम उठाने होंगे। पत्र में प्रियंका ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 2500 मामले आए और लगभग सभी महानगरों में कोरोना मामलों में बढ़त सी आई है। अब तो गांव देहात भी इससे अछूते नहीं, साफ प्रतीत होता है कि आपकी सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना के मंत्र मानकर कम संख्या में जांच की नीति अपना रखी है। प्रियंका गांधी के मुताबिक अब एक कदम से कोरोना मामलों के विस्फोट की स्थिति है। जब तक पारदर्शी तरीके से जांच की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी और स्थिति और भी भयानक हो सकती है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आइसोलेशन सेंटर और अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है। कई जगह की स्थिति इतनी खराब है कि लोग कोरोना से नहीं बल्कि सरकार की व्यवस्था से डर रहे हैं और इसी कारण लोग जांच के लिए सामने नहीं आ रहे। ये सरकार की बड़ी विफलता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना का डर दिखाकर पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है, जिस पर अगर समय रहते लगाम नहीं कसी गई तो कोरोना की लड़ाई विपदा में बदल जाएगी। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि 1.5 लाख बेड की व्यवस्था है, लेकिन लगभग 20,000 सक्रिय मामले आने पर ही बेडों को लेकर मारामारी मची है। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि अगर अस्पतालों के सामने भयंकर भीड़ है तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि यूपी सरकार मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं बनवा रही। प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद है और रक्षा मंत्री लखनऊ के, अन्य कई मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। आखिरकार वाराणसी, लखनऊ, आगरा में अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं खोले जा सकते। प्रियंका गांधी ने लिखा कि डीआरडीओ, सेना और अर्धसैनिक बलों की तरफ से अस्थायी अस्पतालों का संचालन किया जा सकता है या जरूरत हो तो डीआरडीओ के अस्पताल को लखनऊ लाया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे इस बात का एहसास है कि अक्सर आपकी सरकार को लगता है कि कांग्रेस के सुझाव सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से दिए जाते हैं। पैदल चल रहे उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए हमारी तरफ से बसें चलवाने के प्रयास के दौरान आपकी सरकार की प्रतिक्रिया से ये स्पष्ट प्रतीत होता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं एक बार फिर से आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि यूपी की जनता के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा इस समय हमारी सबसे बड़ी भावना है। हम सकारात्मक और सहयोग और सेवा भावना से लगातार प्रयास कर रहे हैं। यानी एक बार फिर प्रियंका गांधी ने कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाकर
यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।